अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास रिपेयर करने के लिए। ये डोनस पैन में लगी हुई होती है, इसमें P4 का एरर है। तो आगे हम खुद रिपेयर में करता था, तो आज ये हमारे स्टूडेंट रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, और ये भी देखेंगे इन्होंने कैसा काम सीखा है। जी भाई, जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खालिद कमाल और मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा ज़िला चारसद्दा से मेरा ताल्लुक़ है और मैं यहाँ सर जी के पास काम सीखने आया हूँ। मेरा वहाँ पर ख़ुद भी एक काम है, 4-5 साल से मेरा तजुर्बा है ये इसका, लेकिन मैं यहाँ पर सर जी के पास आया और मेरे सर जी से यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम सीखा। जैसे हमें ये पता नहीं होता था कि आईसी को कैसे चेक करना है, आईसी पर कितने वोल्ट आते हैं, कौन सा सेक्शन क्या काम करता है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सर जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, डायग्राम वगैरह सबके साथ हो, और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो आज सर जी ने हमें ये किट दिया है बिल्ड करने का है, इसमें P4 एरर आ रहा है, तो हम इसको देखेंगे और इसके फाल को ट्रेस करेंगे कि कहाँ पर इसका मसला है। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, इसको देखेंगे, इसकी कूल चेकिंग करेंगे कि आया इसमें कोई चीज़ वगैरह तो जली हुई नहीं है। ठीक है, तो नज़र से तो कोई ऐसी भी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो ख़राब हो या जली हुई हो। ठीक है, तो इसको बैक साइड पर भी देखेंगे क्या इसकी कोई प्रिंट वगैरह तो ख़राब नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जिस कारीगर ने सर के पास भेजा है उसने ये IPM के साथ छेड़छाड़ की है काविया लगा के, तो मतलब है इसके IPM में कुछ मसला होगा। तो हम IPM को चेक करेंगे क्या आया इसका IPM ठीक है या ख़राब है। ठीक है, तो हम इधर अगर IPM को देखें इसको हम मीटर से चेक करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप इधर पर देखें तो इसने इसकी नॉन कनेक्टेड जो पिन होती है पहली वाली ये इसने काट दी है। अरे भाई, इसको नहीं काटना चाहिए क्योंकि ये तो वैसे भी नॉन कनेक्टेड होता है, तो है रेल आलमी के साथ हो जाता है, वो नहीं समझते इसको। तो हम अपने मीटर को कनेक्टिविटी मोड पर कर लेंगे और इसको चेक करेंगे क्या आया इसका हाई सेक्शन ठीक है या ख़राब है। तो सबसे पहले ये जो है ये पहली वाली पिन पर ये शार्ट बता रहा है, ये ग्राउंड है, तो ये शार्ट बता रहा है, मतलब इसका हाई सेक्शन जो है IPM का ये शार्ट बता रहा है, मतलब ये शार्ट हो चुका है। तो मज़ीद इसका लो सेक्शन भी हम चेक करेंगे कि इसका लो सेक्शन जो है ये ख़राब है या ठीक है। इसकी इसी तरह हम चेक करेंगे, इसको हम ग्राउंड पर रखेंगे और इसकी एक एक पिन जो है इसको हम चेक करेंगे क्या आया ये इसमें तो कोई शार्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं इधर पर भी शार्ट की बीप दे रहा है, मतलब इसका लो सेक्शन भी इसका ख़राब हो चुका है, शार्ट दे रहा है। तो जब भी इस तरह मसला आ जाए, इस तरह ये शार्ट हो जाए, तो इसके हाई सेक्शन के जो होते हैं वो DC सेक्शन पर भी आ जाते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर को भी ख़राब कर सकता है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो OPAM IC लगी होती है जो PFC सर्किट को कंट्रोल कर रही होती है, हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज जो बन रही है वो आया ठीक है या ठीक है नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको AC वोल्ट देंगे, इसको फिर हम चेक करेंगे। तो मैं इसको तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, सीरीज तार है ठीक है, और इसको हम सीरीज से वोल्ट देंगे 220, और इसको हम उधर सेट करेंगे वो जूम वाले कैमरे में। हम अब मज़ीद काम करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि किस जगह पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, तो हमने इसको 220 वोल्ट दे दी है ठीक है, और अब मीटर को मैं DC वोल्ट रेंज पर सेट करता हूँ। ठीक है, अब इसकी वोल्ट हम चेक करेंगे, इसकी ये OPAM IC है ये जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, इसकी एक नंबर पिन और इस तरह दूसरी साइड पर ये पाँच नंबर पिन ये जो है इस पर आउट आती है, इसकी 4 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है, इस तरह इसकी 8 नंबर पिन इस पर VCC वोल्ट आते हैं। तो हम इस पर जो वोल्ट आते हैं माइक्रो कंट्रोल से वो चेक करेंगे। ठीक है,
तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मीटर को, अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 वोल्ट तकरीबन आ रहे हैं, 4.8 वोल्ट डीसी आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर और 2.5 वोल्ट आने चाहिए जो यहाँ पर मिल रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर से, 5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो कंट्रोलर जो है ये ख़राब है, इसमें मसला है। तो ये फॉल्ट जो है हमने ट्रेस की। मैं इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ। जी, तो हमने देखा कि इसका माइक्रो कंट्रोलर जो है ये ख़राब है और ये जो है रिपेयर नहीं हो सकती। जिस तरह हमने ये फॉल्ट ट्रेस किया, ये जिस बंदे ने भेजा है उसने 2-3 बार जो इसका माइक्रो कंट्रोलर भी चेक किया है, 2-3 दिन इस पर लगाए हैं, लेकिन उसने फॉल्ट जो है ट्रेस नहीं किया, हमने आसानी से ट्रेस किया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सर जी की मेहनत और कोशिश की वजह से फिर हम ये जो फॉल्ट आता है हम जल्दी से वो ट्रेस कर लेते हैं। तो जी, तो अब ये सर्किट जो है ये अब रिपेयर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको आप मज़ीद चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।